नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान संपर्क वेब पोर्टल पर शिकायत कैसे ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए, आम नागरिकों की सुविधा के लिए, उनके समस्या निवारण हेतु राजस्थान संपर्क योजना लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत, राजस्थान संपर्क के योजना के अंतर्गत जो है 181 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है गया है सरकार द्वारा, जिसपे भी आप कॉल करके कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत, राजस्थान संपर्क योजना के अंतर्गत एंड्रॉयड और iOS बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण की स्थिति भी जांच सकते हैं, समस्याओं का हल पा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कार्यालयों के चक्कर लगाने की अब जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन जो आप शिकायत लिखेंगे, तो उसमें लिखने के कुछ तरीके हैं कि आप किस तरह से आपको लिखना है शिकायत को। तो अपनी शिकायत को आप जो दर्ज करेंगे ऑनलाइन शिकायत राजस्थान संपर्क वेब पोर्टल पर, तो आपको बिंदुओं में लिखना होगा अपनी शिकायत को, एक एक पॉइंट्स में लिखना होगा, यानी कि आपने पैरा में लिख दिया और पॉइंट में आपको लिखना होगा एक एक पॉइंट करके। और उसके बाद शिकायत दर्ज करते समय जो है अपना फॉर्म में मोबाइल नंबर और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड नंबर ये लिखना अनिवार्य होगा दोस्तों, और ताकि समस्याओं का जो निवारण हो वो आपके SMS पर, मोबाइल फोन पर SMS के द्वारा आपको प्राप्त हो सके, इसलिए मोबाइल नंबर आधार कार्ड नंबर लिखना भी आवश्यक है। वहाँ पर भरना पड़ेगा आपको शिकायत दर्ज करने के फॉर्म में। और यदि आपने पहले से भी कोई शिकायत दर्ज की जा रही है, दूसरी बार उसी के रेफरेंस में, उसी के संदर्भ में शिकायत कर रहे हैं, तो पहली वाली शिकायत का आपको रेफरेंस देना होगा कि मैंने इस संदर्भ में ऐसी शिकायत किया था पहले और उसके कोई समस्या का हल ना निकलने के बाद फिर से शिकायत कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह से उसका रेफरेंस देना होगा। और शिकायत से संबंधित समस्या की श्रेणी भी लिखना होगा दोस्तों आपको, उसमें फॉर्म में भरना होगा आपको, तो उसको भी चयन करना उसका भी आवश्यक होगा। तो निजी अगर आपकी शिकायत है तो निजी आप सिलेक्ट करेंगे, सार्वजनिक है तो सार्वजनिक, और राज्य सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है तो सरकारी कर्मचारियों के विकल्प को आप सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर। तो निजी शिकायत दोस्तों उस श्रेणी में आएगी जो आपकी अपनी निजी हो, भूमि से संबंधित हो, भूमि पर आपके किसी ने कब्जा कर लिया हो कृषि योग्य भूमि में, या किसी ने आपके दुकान पर कब्जा कर लिया हो, मतलब आपके पर्सनल से संबंधित हो, तो वो निजी शिकायत के अंतर्गत आएगी। और सार्वजनिक शिकायत के अंतर्गत वो शिकायतें आएंगी दोस्तों जो आपके नगर से संबंधित हो या गांव से संबंधित हो, जैसे आपकी नगर में या गांव में बिजली की समस्या है, या फिर आपके शहर में जो है रोड सही नहीं है, या आपके गांव में पानी गंदा आता है, पीने का पानी साफ नहीं है, तो ये सार्वजनिक समस्या के अंतर्गत आ जाएंगी इस प्रकार की समस्याएं। और सरकारी कर्मचारी के से संबंधित समस्याएं होंगी कि जैसे आपने अपने सरकारी कार्यालय में कोई आपने शिकायत दर्ज की हो, या कोई आपने वहां से योजनाओं के लिए कोई फॉर्म लिया हो, उसमें आपको देने में वो देरी कर रहे हो, बार बार चक्कर कटवा रहे हो, घूस मांग रहे हो, तो वो सरकारी कर्मचारी से संबंधित शिकायत के अंतर्गत आएगी। तो दोस्तों, अपने शिकायत संबंधी फॉर्म की संख्या फिर आपको मिलेगी जो फॉर्म सबमिट करने के बाद पूरे, तो उसको आपको ठीक से नोट करके रख लेना होगा ताकि वो आपके आगे की कार्रवाई शिकायत से संबंधित करने में ऑनलाइन उसकी आवश्यकता पड़ेगी, शिकायत की स्थिति वगैरह जांच करने में। और अपने शिकायत संबंधी दस्तावेज को प्रिंटर से दोस्तों स्कैन भी करके आपको उसमें लगाना होगा
शिकायत दर्ज करने के फॉर्म के साथ। तो ये स्कैन करते समय प्रिंटर से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्तों एक साफ साफ उसके प्रिंट आउट निकले और लिखावट भी साफ नजर आए, तभी वो उसमें मान्य होगा, वरना आपका शिकायत रद्द कर दी जाएगी आपकी। और न्यायालय में अगर कोई आपके केस चल रहा हो कोर्ट में, तो उससे संबंधित आप शिकायत इस वेब पोर्टल पर नहीं करवा सकते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कोर्ट के किसी भी मामले से संबंधित शिकायत नहीं दर्ज कर सकते हैं। और सूचना एवं अधिकार से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो कानूनी शिकायत है, तो वो भी आप जो है इस वेब पोर्टल पर नहीं कर सकते हैं उससे संबंधित शिकायत। दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि ऑनलाइन शिकायत राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से कैसे आप जो है शिकायत दर्ज कर सकेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको गूगल वेब ब्राउजर खोलना होगा, और गूगल वेब ब्राउजर खोलने के बाद दोस्तों उसमें आपको राजस्थान संपर्क .gov.in लिखकर सर्च पर क्लिक करना होगा। दोस्तों तो सर्च पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर संपर्क राजस्थान .gov.in लिख के, तो ये विकल्प खुलकर आ जाएंगे। इनमें से आपको राजस्थान संपर्क गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ये वाला विकल्प सिलेक्ट करना होगा और इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका फॉर्म खुलकर ये आ जाएगा, वेब पोर्टल खुलकर आ जाएगा ये राजस्थान संपर्क का। इसमें आपको शिकायत दर्ज विकल्प यहाँ है, इस पर क्लिक करना होगा। शिकायत दर्ज पर आप क्लिक करेंगे, तो दोस्तों ये फिर आ रहा है रजिस्टर ग्रीवियंस, तो आपको इस विकल्प पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो फिर आपका फॉर्म शिकायत दर्ज करने का खुलकर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसमें शिकायत अपना पंजीकरण करिए, रजिस्टर करिए। तो मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिखना होगा अपना, और शिकायतकर्ता आपको अपना नाम लिखना होगा। जब आप मोबाइल नंबर लिखेंगे दोस्तों यहाँ, तो आपके यहाँ पर विकल्प आ जाएगा सेंड OTP टू वेरीफाई, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद जो है आप शिकायतकर्ता अपना नाम लिखेंगे, और फिर नाम लिखने के बाद यहाँ शिकायत का विवरण ऐसे ही बिंदुओं में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है यहाँ पर विवरण। और फिर यह है 2000 करेक्टर नहीं होने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, शॉर्ट में लिखना है आपको। और फिर दस्तावेज अपलोड करने हैं शिकायत से संबंधित, जो दस्तावेज हो आपके, डॉक्यूमेंट्स हो जो आप देना चाहते हो कि हमें इस शिकायत से, हम मेरे ये इन डॉक्यूमेंट से संबंधित हमारे ये हमारे पास कागजात हैं, इससे संबंधित हमें प्रॉब्लम है, शिकायत दर्ज कराना है, तो वो दस्तावेज आपको यहाँ पर फाइल चयन करें पर क्लिक करने के बाद, जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में सेव किए होंगे आप पहले से दस्तावेज की फोटो फाइल, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो अगर इसके बाद है शिकायत पंजीकरण में मदद की जरूरत है, तो दोस्तों अगर मदद की जरूरत है आपको तो हाँ पर, और नहीं है तो नहीं पर आप क्लिक कर देंगे, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो शिकायत राजस्थान संपर्क शिकायत में जो आप दर्ज करें उसका दूसरे फॉर्म का दूसरा भाग खुलकर आ जाएगा। उस भाग को भी आपको पूरा भरना होगा, उसमें आपको शिकायत से संबंधित विभाग और श्रेणी इसका आपको चयन करना होगा। तो इसको पूरा भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। इसके बाद आपको शिकायत, अगर आप जो है ये भी देख लेते हैं कि शिकायत की स्थिति आप कैसे जांच कर पाएंगे कि आपकी शिकायत कितने दिनों में सुनवाई हो जाएगी, कितने दिनों में आपकी समस्या का हल मिल जाएगा आपको। इसको देखने के लिए दोस्तों इस पोर्टल पर जो है होम पर चले जाते हैं फिर से, और होम पर जाने के बाद लिखा हुआ शिकायत की स्थिति जांचें, उस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। तो ये है शिकायत की स्थिति जांचें, तो इस पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फॉर्म आप सबमिट करें होंगे शिकायत
का फॉर्म भरकर सबमिट करेंगे तो उसमें आपको फिर आपके मोबाइल नंबर पर वो उसकी आईडी आएगी, यस एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, आपके शिकायत फॉर्म का नंबर आएगा, तो उस फॉर्म को के नंबर को आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा स्थिति जांचते समय, और आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा दोस्तों। तो ये शिकायत राजस्थान संपर्क खुलेगा दोस्तों, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर 30 दिन के अंदर तक आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं हुई तो दोस्तों आप पुनः शिकायत दर्ज करने का भी लिंक है उस पर कर सकते हैं फिर से, और 30 दिन के पहले आप नहीं कर सकते हैं ऐसा दोबारा शिकायत कर दें, अपना दर्ज नहीं कर सकते हैं एक ही शिकायत से संबंधित। और ये यहाँ पे मोबाइल नंबर या ग्रीवेंस आईडी शिकायत करते दर्ज करने की जो फॉर्म भरे होंगे जो उसका मिला होगा आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर वो लिख सकते हैं, या मोबाइल नंबर, दोनों में से कुछ भी जो लिखना होगा उस पर क्लिक करेंगे पहले, फिर वो चीज लिखेंगे नंबर। तो यहाँ पे लिखने के बाद फिर ये कैप्चा कोड लिखेंगे और आप व्यू पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके शिकायत की स्थिति आपको सामने खुलकर आ जाएगी, तो आप उसको देख सकेंगे कि आपकी शिकायत जो है कितने दिनों में देख ली जाएगी या सुनवाई के लिए कार्य रूप में परिणित हो रही है, उस पर कार्य चल रहा है, तो वो सब आपको स्थिति आप जांच सकेंगे। और अगर 30 दिन तक आपकी शिकायत की कोई आपको सूचना नहीं मिलती है ऑनलाइन या मोबाइल पर या SMS के द्वारा, तो आप जो है शिकायत का पुनः स्मरण इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं करके आप फिर से अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इसमें आपको फिर लिखना होगा अपना शिकायत दर्ज करने का नंबर या मोबाइल नंबर लिखकर, और फिर कैप्चा कोड लिखने के बाद व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे कि आपकी शिकायत पर कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है या कितने दिन में हो जाएगी, तो इसकी स्थिति की आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज किए हुए फॉर्म का नंबर या मोबाइल, दोनों में से एक यहाँ पर लिखेंगे और जो लिखेंगे उस पर यहाँ क्लिक करेंगे, उस पर डॉट आ जाएगा तो वही चीज लिखेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है तो मोबाइल नंबर पे ऐसे डॉट कर देंगे क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल नंबर पर लिख के और यहाँ चेक पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर कैप्चा कोड लिखेंगे और व्यू पर करेंगे तो आपके शिकायत की स्थिति आप देख सकेंगे, रिमाइंडर आपका चला जाएगा वहां पर। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारी YouTube चैनल सीखे.com को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंच सके, और दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए दोस्तों ताकि योजना की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।